दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HP GK 1000 गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस की। इस कीबोर्ड एंड माउस के बारे में आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, साथ ही हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारे गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का बॉक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है HP गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस GK 1000। GK 1000 इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए आप बिना देरी करते हुए इसे अनबॉक्स करते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया होता है। यहाँ पर देखिए इसका माउस है, देखिए इसमें कुछ कीज दी गई है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए आप कीबोर्ड को निकालते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया गया है। इसका कुछ डिजाइन इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके बटन्स हैं, फर्स्ट लुक में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और अगर हम इसके बैक साइड में देखें तो आपको ये देखिए, इसे ऊपर रखने के लिए ये स्टैंड मिलते हैं। तो चलिए इसे PC के साथ कनेक्ट करके इसका फुल रिव्यू करते हैं। देखिए ये माउस रहा, यहाँ पर नीचे इसका सेंसर है, यहाँ पर देखिए, और इस पे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपको ये जो बेसिक माउस की कीज है वही दी गई है। और यहाँ पर साथ ही आपको ये कर देखिए DPI का एक्स्ट्रा बटन दिया गया है आपको, जिससे कि आप इसका DPI चेंज कर सकते हैं। और कुछ नहीं है इस माउस में। तो चलिए अब कीबोर्ड को देखते हैं हम। ये रहा इसका कीबोर्ड। देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी दी गई है, बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना है ये। अगर आप इसे हाथ में लेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रांग फील होगा आपको। यहाँ पर देखिए बैक साइड में भी बहुत ही अच्छी डिजाइन दी गई है। यहाँ पर देखिए इसके बटन्स है वो भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, बहुत ही आसानी के साथ इसे प्रेस कर सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसे PUBG खेल रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसके कंट्रोल्स बहुत ही स्मूथ है, बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं और साथ ही माउस भी बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। देखिए आप ये गेम प्ले एंजॉय करिए। नहीं साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। तो देखिए हमने तो इसे टेस्ट कर लिया है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड एंड माउस है, बहुत क्विकली इसका रिस्पांस होता है और HP ब्रांडिंग है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। पर अगर हम बात करें गेमर्स की, तो गेमर्स के लिए ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते आपको। माउस में भी कुछ एक्स्ट्रा कीज नहीं मिलती और ना ही इसमें कुछ LED लाइट है। बस माउस में आपको कुछ LED लाइट मिलती है जो कि देखने में अच्छी है, पर कीबोर्ड में आपको कोई LED लाइट नहीं मिलती। पर क्वालिटी के हिसाब से आप सोच सकते हैं इसे बाय करना, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। इसे अगर आप गेम खेलेंगे तो ये आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स मिलता है इन कीबोर्ड एंड माउस का, और साथ ही ये हाथ में पकड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं, जिससे कि गेम खेलते वक्त ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो चलिए हम इसके प्राइस की बात करते हैं। इसे आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदने जाएंगे तो ये आपको 1000 के अंदर कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो इस कीबोर्ड एंड माउस का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।